और इंशाल्लाह 31 आयत तक, आयत नंबर 26 पे आयत सजदा है, आयत नंबर 26, तो उस पर हम स्टॉप करके सजदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मफहूम समझने की कोशिश करेंगे। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? इससे पहले कि हम आयत की तरफ रुजू करें, ज़रा अमल की बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये सूरत जो है, ये इब्न अब्बास और जाबिर बिन ज़ैद का बयान है कि पहले सूरह शुरा नाजिल हुई, फिर नमल, फिर कसस। और इसमें, इस सूरह में दो खुतबे हैं। पहला खुतबा जो है आगाज़ सूरह से चौथे रुकू के खात्मे तक, और दूसरा खुतबा जो है पाँचवें रुकू से आखिरी सूरह आखिरी आयत तक। पहले खुतबे में ये बताया गया है कि कुरान की रहनुमाई से सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो इसकी बशारतों के मुस्तहक हैं, यानी जो काबिल हैं, जो सुनते हैं, जो तस्लीम करते हैं, जो मानते हैं कि किताब अल्लाह की तरफ से है, और फिर अमली ज़िंदगी में अतात इत्तबा का रवैया अख्तियार करते हैं, यानी फॉलो करते हैं हर चीज़ जो किताब में कहा गया है। और जो सब इस चीज़ को रोकने की जो चीज़ है, इन लोगों को जो नहीं मानते, वो इनकार आखरत है, इस पर जोर दिया गया है। और इसमें इस तमीद के बाद तीन किस्म के सीरतों के नमूने पेश किए गए हैं इस आयत सूरत मुबारक में। एक नमूना फिरौन और सरदार ने कौम समूद और सरकश कौम जो लूट की थी उसकी, कि ये लोग मानकर नहीं दिए और आखिरकार जो है वो उनकी जो कौम जो है बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। दूसरा नमूना जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिनको खुदा ने दौलत, हुकूमत, शौकत, हशमत सब बड़े पैमाने पर नवाजा था, और इतने बड़े यानी अमीर थे, वो मालदार थे कि कुफार मक्का के सरदार उसका ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस बात का एहसास रखते थे कि उनको जवाब देना है, और ये जो हकीकत जो नेमतें हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, और उसके यानी चेक बैलेंस होना है, और उसके लिए क़यामत का यकीन था। तीसरा नमूना जो है इसके अंदर मलका सबा का है, जो तारीख अरब की नहायत ही मशहूर दौलतमंद कौम यानी हुक्मरान थी। उसके पास तमाम असबाब थे जो इंसान को गुरूर नफ्स में मुब्तला कर सकते थे, लेकिन जब उनको हिदायत पहुंची तो उनके लिए ये काफ़ी था। नफ्स की बंदगी और ख्वाहिशात की गुलामी का मर्ज उस पर मुसलत नहीं था, खुदा के हुजूर जवाबदेही के एहसास से उनका ज़मीर जिंदा था। दूसरे खुतबे में सबसे पहले कायनात के चंद नुमाया तरीन हकाइक की तरफ इशारा करके फारे मक्का से पे दर पे सवाल किया गया है कि बताओ ये हकाइक जो हैं, ये रियलिटी जो हैं, शिर्क की इशारत दे रहे हैं या अल्लाह की वाहदानियत की, और ये कुरान में दी जा रही है। इसके बाद कुफार के असल मर्ज पर उंगली रख दी, यानी वो असल मर्ज क्या था कि वो आखरत का इनकार था। तो खात्मे कलाम पर कुरान की असल दावत यानी खुदा वाहिद की बंदगी और आखरत में ईमान ये बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान जो है वो सही रास्ते पे रहता है, उसके बगैर वो भटकता फिरता है। तो ये थी इसकी बैकग्राउंड सूरह नमल का। अब हम आते हैं आयात की समझने की तरफ। तो सीन ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की हिदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनके करतूतों को यानी उनके कामों को, उनकी जो लाइफ है उनको खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। यहाँ पर ये देखिए आयात को, जो कुरान की आयात मुबीन है, उनको हिदायत और बशारत कहा गया है। यानी ये नहीं कहा गया कि बशारत देने वाली आयत हैं और हिदायत देने वाली हैं, बल्कि बजात खुद जो है ये हिदायत है और बशारत है डायरेक्टली। यानी इसका कमाल ने इजहार का तरीका ही, जैसे हम कहते हैं कोई बहुत बहादुर है के बजाय बहादुर वो शेर की तरह है कहने के बजाय खुद शेर है कहते हैं। तो ये यहाँ पर बशारत और हिदायत की। और ये जो आयत है आप नोट करेंगे, सूरह बकरा की आयत के करीब करीब मिलती जुलती है, ये बात यहाँ पर रिपीट कर गई कि आखिरत को यकीन के साथ मिलाया गया है और ईमान जो है इंसान को होना चाहिए आखिरत पर, लेकिन इसके साथ साथ यकीन भी होना चाहिए। ये है इसमें ये हकीकत। फिर ऐसे लोग जो आखिरत में पूरा यकीन रखते हैं, उनके लिए
یہ ہے کہ زکات دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو یعنی ان کے کام کو اس دنیا کو اس ماں بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. بھٹکتے پھرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ ہے کہ وہ ان کی جو عادتیں ہیں وہ اس میں اس سے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا. اور انسان کی فطری جو چیز ہے اس کی طرف وہ نہیں سمجھتے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان پورے کارنامہ حیات کو جانچ پڑھ کر کے دیکھ لے، اور جب وہ موت کے بعد ایسی زندگی قائل نہ ہو جس میں حیات دنیا کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت مطابق ٹھیک ٹھیک چاہے جزا و سزا دی جانے والی ہے، تو لازماً اس کے اندر ایک مادہ پرستانہ نقطہ نظر پیش ہوتا، پرورش پانے لگتا ہے. یعنی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دنیا میں ہر کوئی اپنے راہ میں چلا جا رہا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ کوئی عقل میں ہمیں جواب بھی دینا ہے، اور اس دنیا کی عیاشی میں وہ اترا رہتا ہے. اور پھر وہ ہر جگہ پر اپنے اصول کی فکر میں ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے. تو یہ اس کی ایک باٹم لائن ہے کہ انسان جو ہے اگر نہ سوچے کہ ہمیں آخرت بھی آنی ہے، تو پھر وہ اس دنیا کے چکر میں بھولا بھٹکا پھرا رہتا ہے اور پھر بھٹکتا رہتا ہے اور سستی کے راستے پر نہیں آتا. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے تو سزا ہے آخرت میں، اور یہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں، یعنی یہاں پر اخسرون استعمال کیا گیا سپرلیٹیو ڈگری خسر کی، خسرن خسارے کی. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، یعنی یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. کے بعد اس وقت اب یہاں قصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا، اور حضرت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے پورا قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر مختلف پارٹس میں بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رہے اگر کہ یہاں پر یہ قصہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آنکھ سی نظر آ رہی ہے، میں ابھی یہاں یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رات کا وقت تھا اور جاڑے کا موسم تھا، تو حضرت موسیٰ ایک اجنبی علاقے میں سے گزر رہے تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قصے کا قصہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8 سال گزارنے کے بعد اپنے اہل عیال کے ساتھ کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے، تو اس کا نقشہ یہاں پر میں نے رکھا ہے. ذرا پرانا نقشہ ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے مدین ہے، یہ جزیرہ نما سینا ہے، اور یہ ریڈ سی ہے، مصر ہے، ایجپٹ ادھر ہے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام یہاں اس ایریا میں یہاں سے چل کر جا رہے تھے. تو مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ نما سینا کے سواحل پر واقع ہے، یعنی ساحل ہیں بیچز ہیں یہاں پر. وہاں سے چل کر حضرت موسیٰ جزیرہ نما سینا کے اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰ کہلاتا ہے، اور نزول قرآن کے زمانے میں طور کے نام سے مشہور تھا. اسی کے دامن میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. تو جب یہ موسم جیسا کہ جاڑے کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ ایک اجنبی علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کچھ زیادہ واقفیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے جہاں آگ جل رہی ہے، آگے کدھر کدھر راستے جاتے ہیں اور کون کون سی بستیاں قریب میں ہیں. تاہم اگر وہ بھی ہماری اس طرح کوئی چلتے پھرتے مسافر ہوئے جن سے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی، تو کم از کم میں کچھ انگارے ہی لے آؤں گا تاکہ تم لوگ آگ جلا کر کچھ گرمی حاصل کر سکو. یہ مقام جہاں حضرت موسیٰ نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، اچھا یہاں پر جب یہ آئے ہیں تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر آج کل ایک مانیسٹری ہے. اس مقام پر میں اس کے ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو سناتا ہوں. یہ مقام جہاں حضرت موسیٰ نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. یہاں رومن امپائر نے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 363 کے لگ بھگ اسی زمانے میں کنیسہ تیار کرا دیا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا.
के 200 बरस बाद कैसर जस्टिनियन ने यहाँ एक मोनेस्ट्री बना दी थी, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटिन के बनाए हुए कनीसा को भी शामिल कर लिया था। ये देर और कनीसा दोनों आज तक मौजूद है और ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के राहिबों का उन पर कब्जा है, यानी उनके देर खानी में है। मैंने यानी ये मकाम जो है ये मैंने इस पर किया है, मोनेस्ट्री विद द विलो का ट्रेडिशनली कंसिडर्ड माउंट होरेब इन द बैकग्राउंड, ये माउंट होरेब है और ये अभी भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ जो पहुँचा तो निदाई के मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है। पाक है अल्लाह सब जहाँ मालों का परवरदिगार, यानी सुबहान अल्लाह कहा गया। इसका मतलब ये है कि हजरत मूसा को इस बात पर मुतनबा किया जाए, यानी बताया जाए कि ये मामला कमाल दर्जे के साथ पेश आ रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दरख्त पर बैठा हुआ हो या इसमें कोई गुलूर कर रहा है आया हो, या कनूर मतलब तुम्हारी बीनाई की हदूद में समा गया हो, या कोई जबान किसी मुंह में हरकत करके यहाँ कलाम कर रही हो, ये तमाम बातें महदूद हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ सुबहान अल्लाह कहा और बताया कि ये अल्लाह पाक है ऐसी चीज़ों से। ए मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह और ज़बरदस्त और दाना और फेम, तो ज़रा अपनी लाठी जो ही फेंक दो, अपनी लाठी जो ही कि मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बलखा रही है तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते, इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फैल को बदल लिया तो मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ। अगर अपना हाथ अपने गिरबान से में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो निशानियाँ नौ निशानियों में से हैं और फिरौन और उसके कौम की तरफ ले जाने के लिए, वो बड़े बदकार लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियाँ उन लोगों के सामने आई तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि इन मुसलमानों का अंजाम कैसा हुआ। ये तो बात साफ साफ है कि मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जरा डर हो लगा था और अल्लाह ताला ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और ये बताया कि यानी कसूर करने वाले के बारे में तौबा करके अपनी रवैये की इतला करने पर और अब बुरे अमल के बजाय नेक अमल करने लगे तो मेरे यहाँ उसके लिए आपको दरगुजर का दरवाज़ा खुला है। इस मौके पर यह बात इरशाद फरमाने से मकसूद एक तंबीह भी थी और बशारत भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नादानत की में या कुत्ती को कत्ल करके मिस्र से निकले थे, ये कसूर था जिनकी तरफ लतीफ़ इशारा फरमाया गया है। फिर जिस वक्त ये कसूर अचानक बिला इरादा उनसे सरजद हुआ, उनके बाद फौरन ही उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, ए परवरदिगार मैं अपने नफ्स पर ज़ुल्म कर गुजरा हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला ने उसी वक्त में माफ़ फरमा दिया जैसे कि सूरह क़सस में फरमाया फ़ग़फ़िर लहू। अब यहाँ उसी माफ़ी की बशारत उन्हें दी गई है, गोया मतलब इस तकलीर का ये हुआ कि ए मूसा मेरे हुजूर तुम्हारे लिए डरने की एक वजह तो ज़रूर हो सकती थी क्योंकि तुमसे एक कसूर सरजद हुआ था, लेकिन जब तुम इस बुराई को भलाई से बदल चुके हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए अब मग़फ़रत और रहमत ही रहमत है। कोई सज़ा देने के लिए इस वक्त मैंने तुम्हें नहीं बुलाया बल्कि बड़े बड़े मौजूदात देकर मैं तुम्हें एक कार अज़ीम यानी बड़े काम के लिए बुलाया हूँ। और फिर वो काम ये सूरह इस फिरौन के पास जाने के लिए फिर आपने उनको निशानियाँ दी और उसी की तरफ ये इशारा है। बनी इसराइल में भी आपने देखी कि वहाँ नौ निशानियाँ बताई गई हैं, यानी लाठी जो अल्लाह बन जाती थी, हाथ जो बगल से सूरज की तरह चमकता हुआ निकलता था, तीसरी जो है जादूगरों के वर्ष आम पब्लिक में शिकस्त हुई थी, चौथे जो हजरत मूसा के ऐलान के मुताबिक सारे मुल्क में फैस हुआ था, पांचवा जो है फिर तूफान आया था, छठा जो है टड्डी दल हुए थे, सातवां जो है तमाम गल्ले के जखीरों में जो है वो सुरसरियाँ जिसे कहते हैं यानी चूहें वगैरह पड़ गई थी, फिर आठवां जो है मेंढकों का तूफान आया था, और फिर खून का। यानी कुरान में दूसरे मकाम पर जो बयान किया है, जब मूसा अलैहिस्सलाम के ऐलान के मुताबिक कोई बला आम मिसर पे नाजिल होती थी तो फिरौन हजरत मूसा से कहता था कि तुम अपने खुदा से दुआ करके इस बला को टलवा दो, फिर जो कुछ तुम कहते हो वो हम मान लेंगे। मगर जब वो बला टल जाती थी तो फिरौन अपनी उसी हद दर्जे तक पलट जाता था, वो मानकर नहीं देता था।
और ये फरमाया गया है कि यहाँ से फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वहाँ जो पहुँचा तो निदाई कि मुबारक है वो इस आग में से जो इसके माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहाँ मानों का परवरदिगार। ए मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह, जबरदस्त और दाना और थैंक दो जरा अपनी लाठी। जो ही के मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बलखा रही है तो पीठ फैल कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फैल को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला मेहरबान हूँ। और जरा अपना हाथ अपने गरेबान में डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो निशानियाँ नौ निशानियों में से हैं फिरौन और उसके कौम की तरफ ले जाने के लिए, वो बड़े किरदार लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियाँ उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से उन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि इन मकसूदों का अंजाम कैसा हुआ। दूसरा रुकु शुरू होता है, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। दूसरी तरफ हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। यानी इल्म अता जो किया है वो हमारी तरफ से नहीं, एक आलिम ने जो हर चीज़ का फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर और पास सब जानता है उसने इल्म दिया है, ये मतलब था यहाँ पर बताने का। शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ये दाऊद अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और उसने कहा लोगों हमें परिंदों की बोलियाँ सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं, बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। देखिए यहाँ पर परिंदों की बोलियाँ सिखाई गई, ये जो परिंदे बोलते हैं उनको वो क्या बोलते हैं वो समझ उनको बताई गई है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और पूरे मजहब में रखे जाते थे। एक मरतबा उनके साथ पूछ कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा ये चींटियों अपने गिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला ए मेरे रब मुझे काबू में रख कि मैं तेरे एहसान का शुक्र अदा करता रहूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमले सवाले करूँ जो तुझे पसंद आए, अपनी रहमत से मुझको अपने सवाले बंदों में दाखिल कर दे। लेकिन यहाँ पर जो चींटियों की बात का रेफरेंस दिया गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन सकते थे उनकी बातें जो वो कर रही हैं आपस में, तो आजकल जो है वो साइंस डिस्कस करना चाहती है, डिस्कवर करना चाहती है कि चींटी की आवाज़ तक तो हमें आती नहीं तो हम उसकी ज़बान क्या समझें। यहाँ तक कि जो बर्ड्स चर्पिंग करते हैं और चहचहाते हैं और बातें करते हैं उनकी आवाज़ें तो हम सुनते हैं लेकिन ये नहीं मालूम होता वो क्या बोल रहे हैं। तो उनको जो है बोलना नहीं सिखाया गया मगर उनको एक ज़बान दी गई है जो आपस में समझते हैं और इंसान उसको नहीं समझ सकता। लेकिन इस सूरे में और इस आयत में बताया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो सुन लेते थे और समझते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। जस्ट अगर इसकी किसी को इंटरेस्ट हो तो चींटी के बारे में ये कि उसकी तो आवाज़ तक हम नहीं सुन सकते लेकिन लोग इंटरेस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं कि इनकी जो है कौन सी यानी किलोहर्ट्ज़ पर कितने छोटी आवाज़ है उनकी और उसको डिटेक्ट किया उन्होंने कि साउंड्स फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड्स आर इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज अराउंड 1 किलोहर्ट्ज़। ये बहुत अच्छा पेपर है अगर किसी को इंटरेस्ट हो। ट्रेंड्स हैव ए एक्यूस्टिक वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, इस पर रिसेंट रिसर्च करके बताया गया, यानी उनकी आवाज़ को भी टेप किया गया और उसकी रिकॉर्डिंग भी है इसी अगर आप पेपर को जाएं और उसको यानी सुने। लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ उनकी जो शोर है जैसा कि चिड़ियाँ जो हैं जो वो कहती हैं तो आप उनकी सिर्फ उनका चहचहाना ही सुनते हैं, वो क्या बोल रही हैं वो तो नहीं समझते। लेकिन यहाँ पर उनको ट्रांसलेट करके वो समझ जाएँ अगर रैंस क्या बोल रही हैं। ये खास किस्म का इल्म है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया था और आजकल भी जो इंसान इस दुनिया में कायनात में है वो इंसान ही है जो बोल सकता है, उसके अलावा चाहे कितना ही करीब जानवर हो या क्या कहना चाहिए ये बंदर के शिकलों के जो यानी वो हैं बड़े बड़े बेकामत बंदर, उनकी भी ज़बान को आप नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी अपनी एक ज़बान होती है जो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते।
के बाद फरमाया एक और वाक्य, एक मौके पर सुलेमान ने परियों का जायजा लिया और कहा क्या बात है कि मैं फलाना हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो कहीं गायब हो गया है, मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जिदा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है, मैं सभा के मुतालिक यकीनी इतला लेकर आया हूँ, मैंने वहाँ एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरान है, उसको हर तरह का सर सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीम शान है, मैंने देखा कि उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है, शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और उन्हें शाहरा से रोक दिया यानी सीधे रास्ते रोक दिया है और इस वजह से वो सीधे रास्ते पर नहीं आते, नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है और जो और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग चुकाते और जाहिर करते हो, अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श अज़ीम का मालिक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर विरासत जो अल्लाह ताला ने कही है कि वो माल जायदाद की नहीं बल्कि नबूवत और खिलाफत की है, हज़रत दाऊद की जानशीन है और उसके बाद जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह हुए और 40 साल तक उन्होंने हुक्मरानी की है। इससे मालूम होता है कि कौम जो है सभा कौम सभा इस जमाने में आस्था परस्ती के मजहब की पैरो थी, अरब की कदीम रवायत से भी उनका यही मजहब मालूम होता है। चुनाचे इब्ने इसहाक ने यह कौल नकल किया है कि सभा की कौम दरअसल एक मोरी से आला की तरफ मंसूब है जिसका नाम अब्द शम्स यानी बंदाए आफ्ताब या सूरज का परिस्कार और लकब सभा था। बनी इसराइल की रवायत में इसी की शिकायत करती है, उनमें से बयान किया गया कि वो हुदहुद जब हज़रत सुलेमान का खत लेकर पहुंचा, अभी हम आप खत भेजते हैं तो उसका बयान आया उसकी तरफ में आपको। सुलेमान ने कहा अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठ बोलने वालों में से है, मेरा ये खत ले जाओ और उसे हम लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख वो क्या रद्द अमल कायम करते हैं। तो ये यानी हुदहुद जब हज़रत सुलेमान का खत लेकर पहुँचा तो मलका सभा सूरज देवता की परस्तिश कर रही थी, करने जा रही थी, हुदहुद ने रास्ते ही में वो खत मलका के सामने रख दिया जिसमें मलका बोली अहले दरबार मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है, वो सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू किया गया है, मजमून यह है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। तो यहाँ पर देखिए ये बताना मकसूद है कि पहले जो बादशाह वसीफा करते थे वो अपने नाम के साथ साथ अपनी बड़ाई बहन का बयान करने के बाद मकसद बयान करते थे, लेकिन यह ये जो खत है इसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू किया गया है, तो ये भी एक तरह का ये बताना है कि खत भी लिखें या किसी से कलाम करना हो तो पहले अल्लाह का नाम दें। पर ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो आयत है ये इसी कुरान की एक आयत है और ये जो है आपको तमाम सूरह के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम सिवाय सूरह तौबा के, लेकिन 114 सूरतों में ये 113 में आई है लेकिन इसको शामिल किया जाए तो फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 114 ही बनते हैं। ये यानी अब ये खत के बारे में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है जो हम देखते हैं। खत की अहमियत कई वजह से है, एक ये कि वो अजीब यानी गैर मामूली तरीके से आया है, बजाय उसके कोई सिफारत खान लेके आता एक परिंदे ने उसे लाकर मुझको दिया है, दूसरी यानी यहाँ पर छोड़ दिया है, दूसरी ये कि वो फलस्तीन और शाम के अजीम फरमा रवा सुलेमान की जानिब से है, तीसरे ये कि इसे अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू किया गया है यानी वो कसबा कह रही है, हालांकि दुनिया में कहीं किसी सल्तनत के मरासलों में या खतों में यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर सब देवताओं को छोड़कर सिर्फ खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम पर खत लिखना भी हमारी दुनिया में एक गैर मामूली बात है। इन सब बातों के साथ इसकी अहमियत यह है ज़्यादा बड़ा देता है कि इसमें बिल्कुल साफ साफ हमको ये दावा दी गई है कि हम सरकशी छोड़कर अतात अख्तियार करें और ताबे फरमान बनकर या मुसलमान होकर सुलेमान के आगे
हाजिर हो जाए। मुस्लिम होकर हाजिर होने के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो ये मुती बनकर हाजिर हो जाओ, दूसरा ये कि दीन इस्लाम कबूल करके हाजिर हो जाओ। तो दोनों ही मफहूम जो है पॉसिबल है। तो ये थी आज की यानी तो रुकू की समरी, और इसमें जो है आपने देखा कि तीन वाक्यात हैं और उनको ताला ने सूरह में बयान करके ख़ास तौर पर आखरत की ज़िंदगी को ईमान लाने के लिए अहमियत दी गई है कि चाहे वो मालिक यानी बादशाह हो या कोई सरदार हो, जिस कुछ उसको या जो कोई यानी नबी हो उसको इल्म जो है वो अल्लाह की तरफ से आता है, और जो दौलत है वो भी अल्लाह की तरफ से है, और ये जिम्मेदारी है उस दौलत की कि वो किस ज़राए में खर्च हो ताकि वो हिसाब किताब जो कुछ वो कर रहे हैं इस दुनिया में लोग उसके हिसाब किताब लिया जाए। तो ये थी बॉटम लाइन दो रुकों की, और इंशाल्लाह और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बैठक में। सदक अल्लाह।